मैं पहले सबसे पहले तो अमृत महोत्सव की सबको मुबारकबाद देती हूँ कि यहाँ पर लोगों ने जो हमारी महिला बचत गट की औरतों ने जो प्रोग्राम रखा है अपने हाथों से सी कही गई घर घर पहुँचाने की जो जिम्मेदारी ली है वो बहुत बखूबी इन्होंने निभाया है। दुकानों पर जाकर इन लोगों ने तिरंगे को दिया है और मैं चाहती हूँ कि ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ये उन अजीम रहनुमाओं की कुर्बानी के लिए उनको खराज अकीदत देने के लिए ये अमृत महोत्सव 13, 14 और 15 तारीख को मनाया जाएगा और हर घर तिरंगा की ये मुहिम केंद्र सरकार ने चलाई है और इसको एक त्यौहार की तरह लोगों को मनाना चाहिए क्योंकि आज़ादी जो है वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको एक त्यौहार की तरह मनाओ और मैं चाहती हूँ कि ये त्यौहार हर साल मनाया जाए सिर्फ 75वीं सालगिरह ना हो और हर साल इसको जश्न से मनाया जाए क्योंकि सबके लहू में हो नहीं सकता ये नजराना हमेशा साहिब ईमान देते हैं। वतन से प्यार करने का तो दावा सब ही करते हैं, वतन को चाहने वाले वतन पे जान देते हैं। जय हिंद जय भारत। से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि रईस एरिया लेवल फेडरेशन के जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे मौजूद है ये आज मदनपुरा से आप लोगों के रिक्वेस्ट कर रही है कि सरकार ने जो स्कीम या महोत्सव मनाने के लिए कहा है 13, 14, 15 को उस पे हम सबसे ज़्यादा सादा सपोर्ट करेंगे। मदनपुरा के रहने वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 13, 14, 15 को अपने घरों में अपनी दुकानों में झंडे को लहराए अपना देश प्रेम दिखाए। 75 महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले हमने आज़ादी की बहुत बड़ी जंग लड़ी है 1857 से जो है आज़ादी की 200 साल ये जंग लड़ी गई और हमारे पुरखों ने इस हमारे तिरंगे के लिए अपना इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए और इस देश की गरिमा के लिए अपनी जाने और अपने खून का बलिदान दिया है। आज 75 साल की इस आज़ादी के महोत्सव को हम अपने घरों में अपनी दुकानों पर और अपने हर गली और नुक्कड़ पर इस झंडे को लगाकर हम भी इस बात को साबित करेंगे कि आज भी हमारे दिल में इस तिरंगे की आन बान और शान है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस तिरंगे के लिए हम कुछ भी करने तैयार हैं। हूँ अपना बद्धा देशना भाई बहनों ने रिक्वेस्ट करूँ छूँ कि आपड़े बद्धा अपना दिल में देश प्रेम जगाड़ी ने आ वर्षे अपना देश ने आज़ादी ने 75 वर्ष पूरा थई रहा छे एटले आपड़े अपना धंधा में घर में बच्चा लोग नी स्कूल में कॉलेज में आपड़े झंडो लहरावानो छे 13, 14, 15 तणे दिवस आपड़े आ झंडा नो महत्व करवो छे अने आपड़े झंडो हर घर लहरावो छे। आज तिरंगा का मैसेज ये हम देना चाहते हैं कि 75वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं 15 अगस्त की, तो ये हम मेरी सारी कौम से हर एरिए से हर मोहल्ले से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस तिरंगे का इज्जत कीजिए, 13, 14, 15 को इसे हर घर तिरंगा बनाइए और लोगों को बताइए कि हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है हमारी 75वीं सालगिरह है, हमारी गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा उत्सव बनाने की तैयारी की है और हम सबसे भी अपील की है कि 13, 14, 15 को हम इसको महाउत्सव की तरह मनाएं। इसलिए हम अपने मदनपुरे की पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे भाई शॉप कीपर है वो अपनी शॉप के आगे 13, 14, 15 को झंडा लगाएं, जो हमारी बहनें हैं वो झंडा अपने घरों में लगाएं, हर जगह हर घर तिरंगा होना चाहिए। हम ये मैसेज सबको देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिल के इस मुहिम को कामयाब बनाएं। हम महिला बचत गट वाले अपनी तरफ से झंडे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों में। हमने आज ये अमृत महोत्सव रखा है, हम चाहते हैं कि आगे भी हम 15 तारीख तक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें और हम चाहते हैं कि हमारे मदनपुरे के भाई बहनें हमको सपोर्ट करें, आगे आए और हमारे को इनकरेज